जो उनसे वफा की उम्मीद कर बैठा, कमबख्त इस दिल को कौन समझाता, वो बेवफा कहाँ से वफा निभाएगा। जी हाँ, हम एक ऐसी बॉलीवुड की स्टार की बात कर रहे हैं जिसने जिंदगी में सच्ची मोहब्बत तो कभी महसूस ही नहीं की। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेली थी, उन्हें कभी प्यार ही नहीं मिला, वो हमेशा प्यार के लिए तड़पती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृता सिंह के बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी अकेली ही गुजारी है और गुजार रही है। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा, नेक्स्ट नाइन न्यूज के इस खास प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप भी इस बात से अनजान नहीं है कि हम इस शो में लेकर आते हैं बॉलीवुड की एक ऐसे चेहरे को जो प्यार में नाकामी के दर्द से गुजरते आए हैं। उन्होंने जब भी प्यार किया, या तो उन्हें धोखा में ही मिला या फिर राह में साथ छूट गया। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं आज हम उनके आखिरी प्यार की नहीं बल्कि पहले प्यार की ओर। एक समय था जब अमृता सिंह और बॉलीवुड के एक्शन किंग सनी देओल के मोहब्बत के चर्चे काफी चर्चित थे। इनकी लव स्टोरी फिल्म बेताब के दौरान शुरू हुई थी और इसी फिल्म से सनी देओल ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में कदम रखते ही दोनों के मोहब्बत के किस्से भी शुरू हो गए थे। अमृता सिंह हैंडसम और गुड लुकिंग सनी की ओर आकर्षित होने को खुद को रोक नहीं पाई आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाई थी और इस फिल्म में ऑन स्क्रीन तो दोनों की जोड़ी जम ही गई थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी दोनों मिलने जुलने लगे थे। इस फिल्म के दौरान दोनों का रियल लाइफ रोमांस में कन्वर्ट हो गया, जिसके बाद अमृता सनी को बेहिंदा चाहने लगी थी और वो पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। लेकिन सनी इस मोहब्बत की दास्तां को छुपाए रखना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों सनी ने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की थी और उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए उन्होंने हमेशा अपने और अमृता के रिश्ते को छिपाने की कोशिश की। इस बीच अमृता को लगने लगा कि सनी उनके लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वहीं अमृता की माँ इस रिश्ते से काफी खिलाफ थी। वो चाहती थी कि अमृता की शादी ऐसे लड़के से हो जो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता हो। जिसके बाद अमृता की माँ ने अमृता को समझाया और अमृता को कहा कि क्या वजह है वो अपने रिलेशन को छिपा रहा है, जिसे सुनने के बाद अमृता अपनी माँ के लिए सनी देओल की छानबीन करनी शुरू कर दी। इस छानबीन के दौरान अमृता के सामने जो सच्चाई आई, उससे वो पूरी तरह से टूट गई। उन्हें सनी के पहले रिलेशनशिप के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि वो एक पूजा नाम की लड़की से लंदन में इश्क लड़ा रही है और इंग्लैंड में ये दोनों शादी कर चुके हैं। अमृता सनी के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि एक समय के लिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सनी ने उन्हें धोखा दिया है। और साथ ही अमृता के ऐसा करने से सनी के घर में भी हालात बिगड़ गए थे। उनकी माँ प्रकाश कौर का भी सनी की इस हरकत से दिल टूटा था, उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सच जानने के बाद अमृता ने इस बात का अनुमान लगाया कि सनी बार बार लंदन क्यों जाते रहते थे। वो लंदन किसी बिजनेस के सिलसिले में नहीं बल्कि अपनी पत्नी से मिलने जाते थे और अमृता से कहते थे कि वो बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहे हैं। और उनके ना होने पर अमृता सनी की फिल्म के लिए होने वाली मीटिंग अटेंड किया करती थी, जहाँ एक तरफ अमृता के सामने सनी की पूरी सच्चाई आ गई तो वहीं दूसरी ओर पूजा को अपने पति और अमृता के रिलेशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। और इसी के साथ अमृता और सनी की मोहब्बत की ये दास्तां यहीं पर खत्म हो गई। तो ये था हमारा आज का एक बेहद स्पेशल शो अनटोल्ड लव स्टोरी, जिसमें हमने की बात बॉलीवुड की एक ऐसी चर्चित लव स्टोरी के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपको भी प्यार से भरोसा उठ गया होगा। पर क्या करें, अगर दिल पर काबू होता तो ये ना टूटा होता। लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे आज के लिए यहीं पर विदा लेने का। तो इसी के साथ आज के इस खास प्रोग्राम का हम यहीं पर करते हैं अंत। जल्द लौटेंगे फिर एक बार आपके बीच एक और लव स्टोरी के खास एपिसोड को लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। पर हाँ, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताना ना भूले, और साथ ही ऐसी बॉलीवुड की और चटपटी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।